हेलो स्टूडेंट्स, इन वीडियो के थ्रू हम लोग ट्रिग्नोमेट्री समझने वाले हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत कारगर होगी जिन्होंने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, तो आप लोग इस वीडियो के थ्रू पढ़ लीजिए। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, आपको वैल्यू निकालनी है 2 tan 30° अपन 1 plus tan²30° की। तो आप 10 30 की वैल्यू पुट करेंगे और जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, √3/2। सेकेंड क्वेश्चन में आपको इवेल्युएट करना है sin²19 + sin²71। अगर आपको स्टूडेंट पता होगा तो इसमें आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, यानी दो एंगल का सम आपका 90° होता है। तो sin 90 - θ आपका cos θ होता है। अगर आप किसी भी sin की जगह पुट करेंगे तो आपको एक cos की वैल्यू मिलेगी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा अपने स्क्रीन पर, sin²θ + cos²θ क्या हो जाएगा आपका, 1। थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट आप देखिएगा कि आपको ABC एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें राइट एंगल आपका B पे दे रखा है, आपको sin A + C की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट, अगर आपका एंगल भी 90° का है तो A + C एंगल मिला के बचा हुआ 90° का बचेगा, और sin A + C का मतलब आपकी sin 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 1। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो स्टूडेंट आपको sec A + tan A × 1 - sin A की वैल्यू निकालनी है। आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे कुछ, sec A क्या होता है 1/cos A, और tan A क्या होता है स्टूडेंट sin A/cos A। अगर हम LCM लेंगे cos A तो ऊपर बचेगा 1 + sin A और × 1 - sin A। जैसे कि आपको समझ में आ ही गया होगा 1 + sin A × 1 - sin A क्या होता है स्टूडेंट, 1² - sin² यानी 1 - sin² यानी cos² A। तो cos² A से अगर cos A आप कट करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ cos A बचेगा। फिफ्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट आप देखिएगा, इफ़ ABC आर द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल ABC, देन प्रूव डेट sin A + C/2 = cos B/2। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट की अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम कितना होता है स्टूडेंट, 180° होता है। तो अगर हम यहाँ से A + C निकाल लें तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 180 - B, राइट, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो A + C/2 = हो जाएगा आपका 180 - B/2, यानी कि आपका 90 - B/2। ठीक है, तो sin A + C/2 किसके इक्वल हो जाएगा आपका, sin 90 - B/2 = sin 90 - θ, किसके इक्वल होता है cos θ के, यानी cos B/2। यहाँ से क्वेश्चन में प्रूव हो जाएगा आपका। अगर हम सिक्स क्वेश्चन की बात करें तो tan A + B आपको √3 दे रखा है, और tan A - B आपको 1/√3 दे रखा है। आपको A और B की वैल्यू निकालनी है, तो tan के टेबल में जो √3 है वो आपका tan 60 पे आता है, और जो 1/√3 है वो आपका tan 30 पे आता है। 10 से 10 अगर आप इक्वेट करोगे तो A + B 60 हो जाएगा और A - B आपका 30 हो जाएगा। दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे, एलिमिनेट करोगे, तो कि यहाँ से A की वैल्यू 45° आ जाएगी और B की वैल्यू अगेन पुट करने पे इक्वेशन में 15° आ जाएगी। तो स्टूडेंट, ये 6 क्वेश्चन हैं आपके फर्स्ट पेज के, इन्हें आप तैयार कीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड लक।